बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन है हमारे पास वाह। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रेशियो। देखिए उसने क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के डिवीजन के बगैर आपने ये बताना है कि जो गिवन वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब डिवीजन के बगैर हम किस तरह से बता सकते हैं। प्रीवियस एक टॉपिक आपको कराया गया है जिसमें आपको कट्टर मेथड से ये बताया गया है कि कौन सी वैल्यू आपके पास जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 या उसके मल्टीपल होते हैं वो सारी वैल्यू टर्मिनेटिंग होती है और उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो कौन सी वैल्यू हमें थी 2 and 5 ओनली फैक्टर। अगर 2 और 5 सिर्फ उसके फैक्टर या इसके मल्टीपल तो वो आपके पास क्या थी टर्मिनेटिंग थी। उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी नॉन टर्मिनेटिंग थी। तो उसी लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 13/8। देखिए डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 8 है। अब 8 की फैक्टराइजेशन करें फैक्टर बनाएं 2 4 2 2 2 1। अब देखिए 8 आपके पास किस की इक्वल है 2 2 2। फैक्टर या 2 हो या 5 हो या इनके प्रोडक्ट या मल्टीपल हो। देखिए 8 के सारे फैक्टर 2 आ गए ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर है ओनली 2 and 8 फैक्टर। ये क्यों टर्मिनेटिंग है क्यों क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर सिर्फ 2 बनते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था या 2 हो या 5 हो या 2 और 5 के मल्टीपल हो तो वो आपके पास आया टर्मिनेटिंग होगी। इसके अलावा जितनी वैल्यूज है वो सारी क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 2 7/25। पहले तो ये देखें कि आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी 13/8 पे कोई टेबल नहीं जाता है। इनके लिए ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों पे एक टेबल जा रहा ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखें डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 25 5 5 1 5 1। तो 25 के फैक्टर आपके पास क्या आ गए 5 और 5 आ गए। देखिए फैक्टर या 2 हो या 5 हो तो ये भी आपके पास क्या होगा इट इज टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर है ओनली 5 and 8 फैक्टर। क्यों टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके पास सिर्फ 5 बनने हैं। 5 के मल्टीपल हैं 5 के अलावा कोई नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 8/3। अब देखिए इधर वैल्यू आ गई है 3। अब 3 के फैक्टर आ गए 3 1 times 3। अब 3 आपके पास किसकी इक्वल आ गया 3 और 1 की इक्वल आ गया। अब हमें फैक्टर में क्या चाहिए ओनली 2 एंड
फाइव या सिर्फ टू हो या सिर्फ फाइव हो, इससे हटके नहीं होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज इट डिनोमिनेटर है नो वैल्यू सेवन फैक्टर टू और फाइव। इसके डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके फैक्टर टू या फाइव हो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉट टर्मिनेटिंग एज इस डिनोमिनेटर है थ्री एज इस फैक्टर। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर है आपके पास फाइव बाय फोर। फोर के फैक्टर बनाए टू 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 वन। अब फोर आपके पास क्या आ गया, टू इंटू टू आ चुका है ना, सिर्फ टू फैक्टर आ गए। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ टू, सिर्फ फाइव या टू और फाइव के मल्टीपल, तो वो आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ टू क्या है, फैक्टर। लास्ट वैल्यू तो ये आपके पास क्या है, फोर ओवर नाइन। अब नाइन को आप डिवाइड करें थ्री थ्री, तो नाइन आपके पास क्या आ गया, थ्री और थ्री आ गए। तो ये आपके पास क्या आएगी, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग है, इट है थ्री एंड इट फैक्टर थ्री है। इट्स डिनोमिनेटर है थ्री एंड इट्स फैक्टर। ये क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ टू या फाइव होने चाहिए। स्टूडेंट जो बाकी एक दो पार्ट इसके रह गए, आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट कर लेने हैं, बिल्कुल इजी जैसे हैं, इसीलिए आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।